हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 डिजिटल सर्किट्स में आज हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ऑफ एंड गेट विद द हेल्प ऑफ डायोड्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो टॉपिक है बिल्डिंग ऑफ एंड गेट, बिल्डिंग यानी क्या बनाना एंड गेट को, किसकी हेल्प से? डायोड्स की हेल्प से। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कुछ डायोड्स है तो वो डायोड की हेल्प से हम कैसे एंड गेट बना सकते हैं, जिसे बोल देंगे बिल्डिंग ऑफ एंड गेट विथ डायोड्स। अगर एंड गेट की बात करें तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये दो इनपुट हो गए ए और बी। एंड गेट कौन से बुलियन इक्वेशन पे वर्क करता है? ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी सिग्नल हमें आउटपुट में दे देगा। एंड गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहां पे पॉसिबल इनपुट्स लिख के रखे हैं 0001 1011। अब वाई इक्वल टू ए इंटू बी करेंगे 0 × 0 0 1 × 0 0 1 × 0 0 1 × 0 0 1 × 1 1, ठीक है। अब ये जो एंड गेट का आउटपुट हमें मिला, वही आउटपुट हमें डायोड से भी मिलना चाहिए, यानी डायोड के आउटपुट पे जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वही सिग्नल अगर ये होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि डायोड की हेल्प से हमने एंड गेट को बिल्ड कर दिया, एंड गेट को बना दिया, ठीक है। अब कैसे डायोड को कनेक्ट करके उसे एंड गेट बनाएंगे, कैसे एंड गेट का आउटपुट मिलेगा डायोड की हेल्प से, वो देख लेते हैं। तो यहां पे दो डायोड लेके रखे हैं, ठीक है। इसे +10 वोल्ट की सपोज करते हैं, कोई बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। अब बैटरी आई तो रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा। और ये वाई हो गया हमारा आउटपुट, ए और बी हो गए हमारे इनपुट, ठीक है। अब यहां पे इनपुट दो है तो उसके वेराइटीज ऑफ इनपुट कौन से लिखेंगे, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, सेम यही लिख लिया। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये शुरू करने से पहले एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, कि सपोज आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। ये हो गया एन, ये हो गया पी। अब अगर इसे फॉरवर्ड बायस करना है, करंट फ्लो कराना है, शॉर्ट सर्किट करना है, तो पी से हम प्लस टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और एन पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। प्लस यानी हाई, तो पी हमेशा हाई सिग्नल के साथ कनेक्ट होना चाहिए और एन को हम लो सिग्नल देंगे, तभी जाके ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, तभी जाके ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट यानी डायोड निकाल दिया और उसे वायर से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो होगा। उसी तरीके से अगर हमें रिवर्स बायस करना है पीएन जंक्शन डायोड का, तो ये हो गया एन, ये हो गया पी। रॉन्ग कनेक्शन करते थे, एन के साथ प्लस करते थे, पी के साथ माइनस करते थे, रॉन्ग कनेक्शन। प्लस यानी एन टाइप हमेशा हाई सिग्नल से कनेक्ट होगा और पी हमेशा लो सिग्नल से कनेक्ट होगा। अगर ऐसा कुछ दिखता है पी लो एन हाई, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा हो गया कौन सा, रिवर्स बायस। और यहां पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा नहीं, शॉर्ट सर्किट, यानी ऐसे करके ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब शुरू करते हैं ये वाला फर्स्ट वाला केस, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉसिबल इनपुट है 0 0, तो ए को 0 दे दिया, बी को 0 दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एन टाइप किसके साथ कनेक्ट है, लो सिग्नल के साथ, और ये पी टाइप 10 + 10 यानी हाई सिग्नल के साथ, ठीक है। यानी ये जो डायोड है हमारा, ये किसमें हो गया, ये लो, तो यहां पे हमने ले लिया लो और ये हाई, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में हो गया यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट यानी ऐसे एक लाइन बना दी, ठीक है। और ये बी जो है यहां पे 0 है, तो ये भी 0 यानी लो, और ये हाई यानी ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट लाइन बना दी। अब ये जो 0 0 है, ये 0 0, इसके कारण कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे और यहां से होते हुए इसे मिल जाएगा, यानी आउटपुट पे हमें क्या मिलने वाला है, कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, तो यहां पे 0 लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो उसमें सेम सर्किट डायग्राम बनाया है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पे 0 1 है, यानी ए 0 है, बी 1 है। चेक करते हैं, ए 0 यानी लो सिग्नल, एन के साथ लो सिग्नल, ठीक है, और इसके साथ हाई सिग्नल, ठीक है। यानी ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी ये जो यहाँ पे 0 पोटेंशियल था वो यहां तक आ चुका है। उसी तरीके से ये दूसरे डायोड की बात करें,
तो वन यानी हाई सिग्नल मिल रहा है इसको, ये जीरो नहीं है, ये वन है अब हाई, और ये एन के साथ हाई है यानी रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो ओपन सर्किट कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, ये हो गया ओपन सर्किट कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, यानी ये सिग्नल आगे नहीं जाएगा, यही सिग्नल आउटपुट पे जाने वाला है यानी वाई पे जीरो सिग्नल मिलेगा, तो यहाँ पे जीरो सिग्नल। ठीक है, अच्छा थर्ड सर्किट डायग्राम की बात करते हैं, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है, ए वन है, बी जीरो है, वापस से ये एन टाइप हाई सिग्नल के साथ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस यानी ओपन सर्किट कोई करंट फ्लो होगा नहीं। ठीक है, ये ए वन, वन आगे नहीं जाएगा। ठीक है, बी पे क्या है, जीरो है, जीरो है यानी ये एन टाइप लो सिग्नल के साथ है। ठीक है, लो सिग्नल के साथ एन टाइप होता है, एन टाइप लो सिग्नल के साथ, तो फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस यानी शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये जीरो यहां जाएगा, यहां जाएगा, और वाई पे क्या मिलेगा, जीरो आउटपुट मिलेगा, तो ये जीरो लिख लिया यहां पे भी। ठीक है, अब लास्ट पॉसिबल इनपुट की बात करें तो यहां पे ये हो गया ए वन, वन दे दिया, अब अगर यहां पे वन देंगे तो ये क्या है हमारा एन टाइप, एन टाइप किसके साथ कनेक्ट है, हाई सिग्नल के साथ, जीरो नहीं है, हाई सिग्नल के साथ, इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। बी ये हाई सिग्नल एन टाइप के साथ, ये भी रिवर्स बायस हो गया यानी ओपन सर्किट हो गई, कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, ये ओपन सर्किट हो गई कुछ करंट फ्लो होगा नहीं, वन वन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये Y आउटपुट है, अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो अब क्या होगा, ये जो बैटरी है यहां से सिग्नल कहां जाएगा, आउटपुट पे जाएगा, यानी आउटपुट पे कुछ सिग्नल बैटरी की वजह से मिलेगा, यानी यहां पे सिग्नल मिल रहा है, तो हमने वन लिख लिया। अब ये जो हमें आउटपुट पे सिग्नल मिले डायोड की हेल्प से, क्या ये सिग्नल एंड गेट के सिग्नल है, चेक कर लेते हैं। एंड गेट में क्या था ट्रुथ टेबल में, 0001, तो यहां पे भी 0001, इसका मतलब क्या हो गया, हमने एक एंड गेट बिल्ड कर लिया है, बना लिया है, किसकी हेल्प से, डायोड की हेल्प से। तो यहां तक आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।